एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सर? आज मैं आपके लिए प्लेन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स हम देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। मैंने आधी कटी हुई गाजर ली है, 3 से 4 मिनट में हरी मिर्च ली है, आधी कटी हुई प्याज ली है, तेज पत्ता लिया है, जीरा लिया है, सरसों लिए, सरसों एडिशनल है अगर आपको लगे तो आप ले सकते हैं, मटर के दाने लिए हुए हैं, आलू लिया हुआ है। देन मैंने एक साइड 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें देख सकते हैं मेरा तेल गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा तेजपत्ता डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें प्याज और मिर्ची ऐड करूँगी। इसको हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसमें मटर के दाने ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें गाजर डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, मैं गाजर अच्छे से फ्राई हो जाए ताकि। उसके बाद मैं आलू लिया है, आलू डालूंगी मैं। एक आलू का साइज़ मैंने बड़ा रखा है ताकि ये मैसी ना हो। फिर 2 मिनट के लिए मैंने आलू को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। फिर मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक लिया है। फिर मैंने एक टमाटर डाला हुआ है। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लूँगी, एडिशनल है, आपको लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए गरम मसाले से कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मेरा 1 ग्लास राइस था, मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी डाल रही हूँ। बाद में भी इसको लास्ट में भी आप डेकोर के तरीके से आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम हमारे चावल ऐड करेंगे। मैंने इसमें हमारे चावल डाल दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कुकर को लगा दूंगी और 2 सीटी आने तक इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। देख सकते हैं आप, 2 सीटी के बाद हमारे राइस तैयार है, हमारे पुलाव हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा बना हुआ है। अगर आप ऐसी ही नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।